अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ एक न्यू प्रोडक्ट की। और ये न्यू प्रोडक्ट मैंने परचेज़ किया है एमरल्ड बाय शर्ट एंड को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है शर्ट एंड को का लोगो। और इनकी न्यू ईयर की सेल लगी हुई थी और मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग की जाए और आप लोगों को बताया जाए कि आया ये पेज जो है वो फेवरेबल है कि नहीं है। तो मैंने इनके बहुत ज़्यादा अच्छे टू पीस सूट थे, बट मैंने जस्ट अभी लीलन का एक फ़्रॉक जो है वो ऑर्डर किया था और इनकी न्यू ईयर की सेल थी, तो इसलिए मैंने परचेज़ किया ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके और आप लोगों को मैं बता सकूं कि आया ये रिलायबल ब्रांड है कि नहीं है। तो चलें जी अनबॉक्सिंग करने लगते हैं। इसकी प्राइस ओरिजिनल थी लेकिन मुझे ये 50% डिस्काउंट के साथ मिली और इसमें 200 जो है वो डिलीवरी के हैं, तो मैं आप लोगों को इसकी प्राइस आगे भी मेंशन कर दूंगी और दिखा दूंगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा ब्रांड है। अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग के रिव्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी काइंडली प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचें। ये देखें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपको नज़र आ रहा है एमरल्ड बाय शर्ट को डॉट पी के। तो मैं अभी आपको इनकी क्वालिटी के बारे में बताऊंगी और अनबॉक्सिंग करते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो पाकिस्तान में एक रिस्क है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लोग दिखाते कुछ हैं और भेजते कुछ हैं। तो मैंने ये जो चैनल बनाया है ये स्पेशली आप लोगों की अवेयरनेस के लिए दिया है, बनाया है ताकि अगर एक बंदे के पैसे ज़ाया होते हैं तो कम से कम ये मैसेज जो है हमारा काफ़ी लोगों तक पहुंच सके, और आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने का मकसद यही होता है। अगर इसकी स्टफ़ की बात की जाए तो इसका 1200 का स्टफ़ किसी भी जिसे कहते हैं ना किसी भी किस्म वाला नहीं है। और मैं इनकी अगर क्वालिटी की बात करूं तो ये शर्ट लिबर्टी में 400 रुपए की जो सेल हो रही होती हैं वो भी शर्ट इससे अच्छी क्वालिटी की होगी जो ये शर्ट अभी मेरे सामने है। अगर इस ये लीलन स्टफ़ से ज़्यादा मुझे कोई और रफ़ स्टफ़ लग रहा है तो आप ये देख लें। इनकी स्टिचिंग के बारे में डिज़ाइन इन्होंने बना दिया है तो, लेकिन इनका जो स्टफ़ है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्टिचिंग की बात अगर की जाए तो स्टिचिंग भी सो है, और 1200 में देखें ये पहले तो ये 2000 की थी और अभी इन्होंने डिस्काउंट पे ये मुझे 1000 रुपीज़ की दी है और उसके साथ 200 जो है वो डिलीवरी के हैं। बट मुझे ये शर्ट किसी भी एंगल से 1200 की नहीं लग रही। मैं आपको जिस तरह पहले भी बयान कर चुकी हूँ और अभी मैं फिर आपको बताऊँगी कि ये जिस तरह लिबर्टी में 400 की 500 की सिंगल शर्ट्स मिल रही होती हैं, आपको ये वही क्वालिटी की शर्ट है और मैं आपको ये कभी भी ये ब्रांड रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगी। और रही बात, देखें इन्होंने निदा यासिर और एक दो और हमारे स्टार्स हैं नादिया हुसैन से इन्होंने पब्लिसिटी करवाई थी, तो मैंने इसीलिए सोचा कि यहाँ शॉपिंग की जाए। बट मैं इसके साथ बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो बहुत से लोग होते हैं, जिस तरह मैंने लेमन ट्रॉट के ऊपर वीडियो बनाई थी और फिर लेमन ट्रॉट वालों ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरी वो वीडियोज़ जो हैं वो शेयर ही नहीं करने देते, क्योंकि उस वीडियो में उन लोगों की एक असलियत जो है असली चेहरा मैंने दिखाया था। तो आज की इस वीडियो में मैं इस ब्रांड के बारे में बता रही हूँ कि देखिए इन्होंने डिज़ाइनिंग तो की है, डिज़ाइनिंग इनकी अच्छी है, बट जो क्वालिटी है कपड़े की वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 1200 रुपए में ये आपको क्या दे रहे हैं, 1200 रुपए की ये बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं है। और ये जो लिबर्टी में 400 रुपए की जो सिंगल शर्ट्स होती हैं ये उस तरह की क्वालिटी है। मुझे पता है कि इस वीडियो को बनाने के बाद
जब मैंने ये वीडियो इनके पेज पे पोस्ट करनी है तो इन्होंने ही मेरी पोस्ट को और मेरे कमेंट्स को डिलीट कर देना है, क्योंकि ये लोग कभी भी नहीं चाहते। अगर हम इनकी फेवर में लिखें, अगर मैं वीडियो बना दूं कि ये ब्रांड बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो देख लीजिएगा कि ये लोग मेरी वीडियो को कभी भी डिलीट नहीं करेंगे और ना ही मेरे कमेंट्स को डिलीट करेंगे। बट अगर हम किसी के अगेंस्ट बोलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता है, लेकिन मेरी एक जो है कोशिश होती है कि मैं सिर्फ सच बोलूं, और सच यही है कि मैं इनकी क्वालिटी से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूं, क्योंकि लेमन टॉल पे मैंने जब वीडियो बनाई थी तो वो तो फटना शुरू हो गई थी। ये अभी फट तो नहीं रही, लेकिन ये इंतहाई लो क्वालिटी का कपड़ा है, और ये अगर मुझसे आप पूछें तो ये 600 से ज़्यादा इसकी कीमत नहीं है। मैंने अखरोट क्लोथिंग की भी अनबॉक्सिंग की हुई और उसका रिव्यू भी मैंने आपके सामने शेयर किया था, और अखरोट क्लोथिंग जो है वो इससे बहुत बेटर ब्रांड है, क्योंकि अगर आप उनकी क्वालिटी देखें तो क्वालिटी उनकी अच्छी, और मैंने वो जो सूट है जो मैंने परचेज़ किया था वो मैंने बाकायदा पहना भी और मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं। बट इसके बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये सिर्फ फ्रॉड ब्रांड है लेमन टॉट की तरह, और इसकी कोई क्वालिटी नहीं है, और ये लोग वही फ्रॉड का काम कर रहे हैं कि इन्होंने मतलब दिखा कुछ रहे हैं, और दिखाने वाली बात ही नहीं है इसमें, मतलब इसका कपड़ा ही बहुत बुरा है, और लिबर्टी में 400 वाली क्वालिटी वाला इसका कपड़ा है। तो अगर वीडियो को आपने लाइक किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। मज़ीद अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह।